नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे। उनका बेसलाइन परीक्षा बेसलाइन टेस्ट होने वाला है 2021-22 के, जो कि 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो अब हो जाओ तैयार, समय बहुत कम है। प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाले हैं बेसलाइन परीक्षा के बारे में कि क्या वाकई में ये परीक्षा हमारे लिए सही है, उपयोगी है, या इस परीक्षा को देना चाहिए, या फिर ये परीक्षा का जो नंबर है वो वार्षिक पेपर में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और इसकी सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 23 अगस्त से स्टार्ट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। तो इस अपडेट को आप लोग देख ही चुके होंगे, ये 18 तारीख को आया है, और इसके बारे में बता देता हूँ पूरा जानकारी। देखिए, ये है सत्र 2021-2021 में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे। इस कारण विद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन बहुत ही अल्प समय के लिए ही हो सका है। विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है, एवं कई विद्यार्थी अपेक्षित ग्रेड स्तर से पीछे रह गए हैं। मतलब ये है कि स्कूल नहीं खुलने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो कारण इसका परीक्षा क्या होगा। इसके अतिरिक्त गत सत्र में सभी निर्धारित परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी। उपरोक्त कारण से उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन हेतु वर्तमान में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन करना होगा। मतलब ये कहा गया है कि यदि जैसे एग्जाम नहीं हुआ पिछले साल, तो उनमें अब बच्चों के अंदर कितना, मतलब कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, इस चीज़ का परीक्षण करने के लिए, इस हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेसलाइन सर्वे आयोजित किया जा रहा है। यह सर्वे 23 से 28 अगस्त 2021 वाले सप्ताह में स्कूल परिसर में संचालित किया जाएगा। तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और सभी को बहुत सारा प्यार। तो यहाँ पे 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं बेसलाइन परीक्षा, जो कि मेरे ख्याल से 23 से 24 तक छुट्टी है, इसके बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब होगा क्या, कैसे ये पेपर में जुड़ेगा, वार्षिक पेपर में, रिजल्ट में या नहीं, तो यहाँ पे जानकारी देखिए। बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य क्या है, कोविड संक्रमण के कारण नियमित कक्षाएँ संचालित न होने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर हुए प्रभाव का आकलन करना, बेसलाइन सर्वे के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु नीति तैयार करना, यथा विद्यार्थियों की को उनके सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों के समूह तैयार करना, एवं उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन करना। इसका मतलब यह है कि कोविड-19 में जो कक्षाएँ संचालित नहीं हो पाई और बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो कितना स्तर है उन बच्चों का, इस चीज़ों को आप लोग, जैसे छोटे बच्चे का, ये अपन पहले दिन जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो पहले कागा का पढ़ाते हैं, फिर ABCD पढ़ाते हैं, और उनका देखते हैं कि इनका बेस क्या है। यदि ये चीज़ बन जाते हैं तो उनको आगे कक्षाएं पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों से एक टेस्ट होगा, और उस पर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आपसे कितना अभी बेसिक चीज़ बन रहा है। हाँ, अब इसमें होगा क्या, कौन कौन से कक्षाओं का, कौन कौन से विषय का बेसलाइन टेस्ट होगा, ये चीज़ अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसलाइन सर्वे का यहाँ पे पूरा है प्रारूप ये है कि 9वीं एवं 10वीं के लिए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित तीन विषय का ही एग्जाम होगा, और 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान संकाय वाले भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान एवं गणित वाले। मतलब यदि आप लोग 9वीं 10वीं के हैं तो आप लोग का अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय का होगा पेपर, और यदि आप लोग 11वीं और 12वीं के हैं तो आप लोग, यदि जैसे विज्ञान के हैं तो आप लोग का भौतिक, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और यदि मैथ वाले हैं तो मैथ का भी होगा। तो और एवं अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे होगा, हिंदी का नहीं होगा, 12वीं वाले, ठीक है, 11वीं 12वीं वालों का हिंदी का नहीं होगा, केवल अंग्रेजी का और इन तीनों विषय का होगा। दूसरी बात, सभी कक्षाओं के बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र दो भागों में, यथा भाग 1 एवं भाग 2 में विभाजित किए जाएंगे। मतलब आप लोगों का जो पेपर होगा वो दो भागों में बटा रहेगा। होगा क्या, पहले भाग में करना क्या है, आएगा कैसे, देखिए पहले भाग में ये आएगा कि 2 से 3 साल पूर्व जो आप पढ़ाई किए हैं, थोड़ा बहुत भी जो भी किए हैं, तो उससे विषय वस्तु, उससे संबंधित ही क्वेश्चन रहेंगे, जो कि नॉर्मली रहेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में सहायक होगी, मतलब कि जो चीज़ आप लोगों को जैसे 9th में पढ़ाया गया प्रकाश का परावर्तन,
तो यदि 11th में प्रकाश का परावर्तन है तो आप लोग का क्वेश्चन क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन की मतलब आप 9th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, भाग टू में क्या है कि पिछले वर्ष की कक्षा में पढ़ाई गई सभी विषय वस्तु जो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में होगी सहायक होगी से संबंधित सीखने के स्तर का आकलन किया जाए। यही वही है कि देखिए जो 2-3 साल पहले जो पढ़ाया गया था नॉर्मली वो चीज़ पूछा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ बेसिक पढ़ाया गया जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो सूत्र हमारा बेसिक है तो इस सूत्र का यदि यूज आप 10th में पढ़े हैं और 11th में भी है तो इस सूत्र को पूछा जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कहा गया कक्षा 9वीं में विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के बेस लाइन सर्वे हेतु ब्रिज कोर्स का पेपर उपयोग किया जाएगा, ब्रिज कोर्स का भी पेपर बनाया जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कक्षा 10वीं 11वीं एवं 12वीं में अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त सभी विषय में MCQ वैकल्पिक प्रश्न ही होंगे, मतलब यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, टेंशन नहीं लेना, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अब इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग के ये वार्षिक पेपर में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र का, जो प्रश्न पत्र कैसे आएगा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में बटा रहेगा, ठीक है। यदि आप 9वीं के स्टूडेंट हैं तो अंग्रेजी गणित के यदि लेना चाहते हैं तो ब्रिज कोर्स के 3 से 5 स्तर के होंगे, और इसमें भी ऐसे ही पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज़ बताना थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो 11वीं के सभी विषय के लिए क्या होगा कि 9वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो, मैं जैसे बता चुका कि प्रकाश का परावर्तन 9वीं में है और 11वीं में भी है, तो 11वीं वाले का जो चीज़ वो 9वीं वाले को भी पूछा जा सकता है, तो 9वीं वाले क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा। 10वीं के टॉपिक ऐसे टॉपिक जो 11वीं में हैं तो वो लोग क्या होगा कि 10वीं के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। 12वीं में क्या होगा कि 10वीं के ऐसे टॉपिक जो 12वीं में है और 11वीं के ऐसे टॉपिक जो 12वीं में है, तो वे टॉपिक को 12वीं वालों से पूछा जाएगा, ठीक है। बेसलाइन सर्वे के बारे में यहाँ पे संचालन कौन करेगा, तो यहाँ पे उनके प्रचार करेंगे और उनकी पूरी स्टाफ, और ये स्कूल में ही आयोजित होगा, 1-2 भाग में बटा होगा जो शिक्षक करेंगे, और जो परिणाम होगा देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, बेसलाइन सर्वे के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित नहीं होंगे। प्यारे भाइयों ये चीज़ है, सम्मिलित नहीं होंगे वार्षिक परिणाम में, वार्षिक परीक्षा में, तो आप लोग निश्चिंत रूप से और इसको अच्छे से दीजिए। हो सकता है जैसे कोरोना काल में तिमाही छमाही रिवीजन टेस्ट सभी से संबंधित जुड़ा था, उसी प्रकार से अभी तो कहा गया कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन बाद में हो भी सकता है कि यदि एक ही टेस्ट इस साल हुआ, मान ली बेसलाइन के अलावा कोई टेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर होगा क्या, इसी टेस्ट के आधार पर आप लोग का रिजल्ट भी बना दिया जाएगा। तो अभी कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे लिखा है कन्फर्म रूप से कि सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोगों के सर्वे के पूर्व करना क्या क्या होगा कि जो प्रचार की सहायता से बेसलाइन प्रपत्र के प्रिंट आउट तैयार किए जाएंगे, 1-2 दिन में समाप्त किया जाएगा प्रत्येक कक्षा के सभी विषय का, 23-28 अगस्त वाले सप्ताह में ही सुनिश्चित किया जाएगा। और भी यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, 9वीं के विज्ञान के विषय के परिणाम एवं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के सभी विषयों के परिणाम निर्धारित प्रारूप में 31 अगस्त तक विमर्श पोर्टल में प्रविष्टि करें, मतलब आप लोगों का जो ये रिजल्ट होगा 31 अगस्त तक, जो और भी जो पिछला है मैं बता देता हूँ कि ये जो अपना प्रश्न पत्र जो वो लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ चीज़ वो उनका सबका अपलोड कर देना होगा, तो ऐसा कुछ है आप लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूरा एकदम से यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और फिलहाल मैं अभी घर में हूँ और तबीयत मेरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है, तो उसमें मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को समय नहीं दे पा रहा था, और ये थोड़ा सा समय मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कॉल आने लगे थे, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए था, छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और एक दिन के लिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।